गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज है 22 नवंबर और आज हम जा रहे हैं फाइनली टाइगर 3 मूवी देखने के लिए। लोगों का मानना है टाइगर 3 बहुत अच्छी है, बहुत लोगों का ऐसे नॉर्मल है, स्टोरी नहीं है, एक्शन है, बट कोई बात नहीं, जैसा भी है अभी तो देखने में पता लगेगा कि अगर होता क्या है क्या नहीं होता। जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स तेजी से बदल रहे हैं। तो आज है 23 नवंबर। कल मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करना ही भूल गई ऑलमोस्ट, क्योंकि कल काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रिकॉर्ड करनी। आपने देखा होगा कि मैं गई थी टाइगर 3 देखने और मैं टाइगर 3 देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यार अच्छी मूवी होगी, ये होगा वो होगा, मेरे को लोगों के रिव्यूज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। लोग कुछ कह रहे थे गंदी है, कुछ कह रहे थे अच्छी है, समझ नहीं आ रहा था, मिक्स्ड रिव्यूज़ थे सबके। ऐसी उड़ती पंछी की तरह देखने चली गई टाइगर 3 अपनी फैमिली के साथ में। बट मुझे ऑनेस्टली ना मूवी नहीं अच्छी लगी। मुझे एक्शन अच्छा लगा, मुझे इमरान हाशमी की एक्टिंग अच्छी लगी, कैटरीना कैफ का एक्शन अच्छा लगा, बट टाइगर भी अच्छा लगा, सलमान खान भी अच्छा लगा, बट मुझे ना स्टोरी समझ में नहीं आई। और स्टोरी क्या था क्या नहीं था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है मैंने ध्यान से नहीं देखी मूवी, क्यों भाई इतने पैसे खर्च के गई हो तो ध्यान से ही देखी होगी ना मैंने। मुझे कहानी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, मतलब ये कहानी सही नहीं थी। इट वॉज नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशन कि यार अच्छी होगी, मुझे मज़ा नहीं आया। तो आज का वैसे तो कोई प्लान है नहीं, आज कुछ भी नहीं है आज तो करने को मेरे पास। आज बस हाँ, मुझे शाम को क्लास पे जाना है, आज इतने टाइम बाद आज क्लास पे जाने वाली, बहुत टाइम की छुट्टियाँ चल रही थी मेरी। मैंने ना एक अलग सिस्टम कर दिया है, मैंने ये सिस्टम करा है कि व्लॉग मेरी वीक में एक दिन ही आया करेगी, जो कि है वेडनेसडे को, और सैटरडे को मेरा फूड रिव्यू वाला वीडियो आया करेगा। मेरी वेडनेसडे की व्लॉग आया करेगी, वो पिछले हफ्ते का हर दिन का वो होगा, छोटी छोटी क्लिप्स, मतलब छोटी छोटी 5 मिनट की, हर दिन की 5 मिनट में 3-4 मिनट। ये होगा कि आप एक ही वीडियो में सब कुछ सारे पूरे हर पिछले 6 दिन का सब कुछ देख पाओगे। तो भाई मैं अपनी क्लास से भी आ चुकी हूँ वापस, एंड भाई ठंड का मौसम हो चुका है फाइनली। और ये देखो कितने सारे कपड़े आज मैंने पापा से ना ऊपर रखे हुए थे, पिछली गर्मी में तो मैंने मज़े में यूं 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 करके फेंक दिए कि चल निकाल लेंगे, अब वो इतने पीछे चले गए कि मेरे को पापा की हेल्प लगी। इतने सारे कपड़े हो चुके हैं और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, रखने तो अंदर ही है बट ना बहुत आलस आता है कसम से, अलमारी लगाने में ना दिमाग खराब हो जाता है। एक तो जिम गई थी 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो जैकेट पहन के नहीं आई थी तो इसलिए मुझे कोल्ड हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा इतना। वैसे तो अभी थोड़ा सा ही है, इसलिए अभी से मैंने प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर दिए ताकि जल्दी ठीक हो जाए। तो आज मैं बना रही हूँ कन्नू के लिए स्पेशल व्हाइट सॉस पास्ता, क्योंकि उसने बहुत टाइम से बोला हुआ था कि दीदी व्हाइट सॉस पास्ता खाना है आपके हाथों का, तो आज उसके लिए स्पेशल बना रही हूँ मैं। तो ये तैयार हो चुका है मिक्स सॉस पास्ता और बढ़िया लग रहा है देखने में तो कसम से। गाइस तो आज है 24 नवंबर और आज का प्लान ये है कि आज शाम को शायद मेरे को जाना है फूड रिव्यू वाली वीडियो बनाने के लिए अपनी, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि सैटरडे सीफरी मार्केट में लाफिंग स्टार्ट हुई है, जो लाफिंग होती है जो मजनू का टीला पे मिलती है वो यहाँ पे मिल रही है। अब देखते हैं कैसी होती है कैसी नहीं होती है। मजनू का टीला की बात तो बहुत ही ज़्यादा अलग है, पता नहीं यहाँ पे कैसा टेस्ट मिले ना मिले, आज शाम को पता लगेगा। वहाँ पे सुशी भी मिल रही है, रामेन है और बबल टी भी है, तो अभी तक तो प्लान है जाने का, बाकी डिपेंड करता है हर्ष पे कि वो फ्री है नहीं है, वरना फिर मेरे को अकेले जाना पड़ेगा या फिर मेरे को कल जाना पड़ेगा उसके साथ। संडे को है हर्ष का बर्थडे और हमेशा मैं उसके लिए केक बनाती हूँ खुद से ही, और आज गई थी छोटी सब्जी मंडी, बहुत सारा सामान लेकर आई केक बनाने का, थोड़ा सा ही सामान लगता है वैसे तो ज़्यादा नहीं लगता, पर पैकिंग पेपर वगैरह लेकर आई थी उसके गिफ्ट पैक करने के लिए। सब्जी मंडी में जहाँ पर मैं गई थी ना वहाँ शॉप से मैंने ब्राउनी और चौको लावा केक लिया है कन्नू के लिए, मिल गया हुआ है, जैसे स्कूल से आएगा तो बहुत खुश हो जाएगा देख के, बढ़िया है। तो कल तो मैंने बनाया था इन लोगों के लिए पास्ता और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, और मैंने खाए थे अंडे, क्योंकि मैं रात को थोड़ा सा मतलब कार्ब्स ज़्यादा लेना बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, भी थोड़ा सा वेट लॉस उस पर चल रही हूँ मैं इस वजह से। ये ले ओ, ओ! वाह कैसे कैसा लगा? देखा था आपने कि कन्नू कितना ज़्यादा खुश हो गया था, मतलब वो ना बहुत जल्दी खुश हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों से, उसकी कभी भी एकदम हाई डिमांड नहीं रहती, उसको छोटी सी चीज़ दे दो ना वो इतना खुश हो जाता है, जो मुझे उसकी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, बट मैंने और मम्मी पापा हमने हमेशा उसको इतने प्यार से रखा है, इतने अच्छी वो दिए कि वो कभी इतनी ज़्यादा हद ज़िद्द उसने आज तक नहीं करी, और बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारा ये।
ये भी कहना चाहती थी भाई, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना क्रेव रेक्स और रियू लव, मेरा ये पर्सनल वाला चैनल, पर्सनल वाला वो है आईडी है, और ये हमारी जो क्रेव रेक्स का इंस्टाग्राम है, दोनों ज़रूर ज़रूर फॉलो करना ओके। तो अब मैं बैठ गई हूँ उसके सारे गिफ्ट्स पैक करने के लिए, फटाफट सारे गिफ्ट्स को करूँगी पैक, क्योंकि कल मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल मेरे को दो चार काम से जाना है इस वजह से। ऐसे ही सारे गिफ्ट्स पैक हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है, मैं आपको बताऊँगी किसमें क्या है। ये है शूज़ जो मैंने उसके लिए लिए हैं, एक लिया मैंने उसके लिए हुडी और एक लिया मैंने उसके लिए शर्ट। तो ये गिफ्ट कर दिए हैं मैंने इसके अच्छे से पैक और रख दिए इस पेपर बैग में, वही सारे गिफ्ट कर दिए मैंने पैक। अब देख रही हूँ मैं बिग बॉस एज यूजुअल, हम मिलेंगे कल की सुबह पर। हाय गाइस, आज है 25th of November, यानी कि आज है हर्ष का बर्थडे ईव, कल उसका बर्थडे है। आज कुछ स्पेशल काम है नहीं, घर पे एकदम बोर हो रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा कन्नू गए हुए हैं कहीं काम से, इस वजह से अब वो आएंगे शाम को, अब समझ नहीं आ रहा आखिर करूँ तो अभी करूँ क्या, कुछ है ही नहीं करने को, कहीं बाहर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो अभी तो मैं बना रही हूँ हर्ष के लिए केक, हर साल उसके बर्थडे पे मैं केक बनाती हूँ, उसको बाहर का केक पसंद नहीं है इस वजह से। तो केक की शॉर्ट्स आपको ट्यूसडे को मिल जाएगी, यानी कि कल आपने देख ली होगी केक की शॉर्ट्स, क्योंकि व्लॉग आएगा वेडनेसडे को। ऐसे केक बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका है, एक बज गया है, केक बनाते हैं क्योंकि रात को लेके जाना है मेरे को उसके पास। मैंने कभी अपने माइक्रोवेव में ना ओवन का वो ट्राई नहीं करा, क्योंकि मेरा है ऑल इन वन कन्वेक्शन ओवन में है, मेरे को इतना डर लग रहा है, वो प्रीहीट हुआ ना तो वो धुआं निकलने लग गया। एक तो घर पे कोई भी नहीं है, यानी अगर कोई हो तो फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी, अगर मैं अकेली हूँ मेरे को इतना डर लग रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सिर्फ 4-5 मिनट ही करो, फिर मैंने अब सीधा केक ही डाल दिया अपना उसमें बेक होने के लिए। अभी भी मेरे को डर लग रहा है यहीं खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं इतना से गेट खोल दूँगी इसका, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा यार। वैसे मैं हमेशा माइक्रोवेव वाला लेकर आती हूँ केक, बट ये भी माइक्रोवेव वाला ही है, बट मैं ओवन वाला ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव वाला थोड़ा हार्ड हो जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। वैसे तो उसको गर्म करो तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, बट वही बात है ज़्यादा गर्म हो गया तो क्या होगा। मैंने ओवन से हटा के नॉर्मल माइक्रोवेव में ही कर दिया है, मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं एक ही पैकेट लेकर आई हूँ, मैं जाऊँगी भी इतनी दूर वापस तो भाई मेरी बस की तो नहीं है। मैंने फिर अब वो बर्तन चेंज करके माइक्रोवेव वाले सिस्टम में कर दिया है, और ठीक है रिस्क क्या लेना, अगर रिस्क लेना हो तो मैं बाद में लूँ, आज क्यों लूँ, वैसे टाइम नहीं है मेरे पास आज ज़्यादा। प्रॉपरली बेक हो गया और 2 मिनट के अंदर अंदर ही हो गया, इतना प्यारा। अच्छा हुआ मैंने इसमें माइक्रोवेव में कर दिया, थोड़ा दिमाग लगा लिया मैंने आज। ये हो गया केक तैयार फाइनली, ये तो हमने देख ही लिया होगा वैसे कल की उसमें, बट मज़ा आ गया बना के केक ना। ये उसका केक टचवुड बहुत ही बढ़िया बना, बहुत ही अच्छा बना, उम्मीद नहीं थी कि अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हुई मेरे को ओवन और माइक्रोवेव के चक्कर में, जो मैंने गड़बड़ कर दी थी। वो फुली तैयार है, फ्रिज में रखा हुआ है मैंने उसको, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और फिर रात को मैं जाऊँगी उसके पास, उसका केक कट करेंगे, फिर मज़ा आएगा। क्योंकि अगर तुम 8 बजे भी निकलते हो, 9:30 बजे तक। हाय गाइस, तो आज है 26th November और आज है हर्षू का बर्थडे, तो कल रात को ही उसका हमने केक काट लिया था, तो हम दोनों उसकी दीदी के घर पे गए थे, तो वहीं पे ही हम दोनों उसकी दीदी हमने केक वेक काटा था और थोड़ा सा उसका सेलिब्रेट करा था, ज़्यादा कुछ नहीं करा इस बार हमने। और मैं जस्ट अभी अभी घर पे आई हूँ, मैं रात को मैं वहीं रुक गई थी, क्योंकि नोएडा से फिर रात को नहीं आ पाते हम इस वजह से, और अभी इतनी ज़्यादा तगड़ी मेरे को नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, चाहे तो मैं वापस 3-4 घंटे ही सोई थी, और फिर सुबह सुबह निकल गए हम वहाँ से। अभी प्लान ये है कि 4-5 घंटे और सो जाऊँ, 4 घंटे और सो जाऊँ, और उसके बाद, क्योंकि आज शाम को मेरे को जाना है एक शादी पे, एक वेडिंग पर जाना है आज मुझे, मेरी मम्मी की बुआ की जो वो है बहन, वो बुआ की बेटी की आज शादी है, तो वहाँ पर भी जाना है आज। तो वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट ठीक है, बढ़िया अच्छी बात है, सारी फैमिली वापस दोबारा से काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे हम, वैसे तो अभी भाई दूज भी हो जाते, बट फिर भी। तो भाई बज रहे हैं अभी शाम के 6:30 बजे और अब जाके मैं नहाई हूँ, क्योंकि अभी मैं फिर सो गई थी, अब मैं नहाई हूँ फटाफट से आइसिंग करके मुँह पे, क्योंकि थोड़ा सा ना सूजा हुआ है फेस, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो मेरा फेस थोड़ा स्वेल हो जाता है। फिर होंगी मैं तैयार और फिर हम जाएंगे, थोड़ा सा दूर है ऊपर से, तो दिल्ली में बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं पता ही है आपको, तो जाम भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और कोई बात नहीं, चलते हैं अब, तैयार होते फटाफट। भाई मैं तो हो गई हूँ बिल्कुल रेडी जाने के लिए प्रॉपर तरीके से, अब चलते हैं फटाफट। कहाँ जा रहे हो? शादी, शादी। पहले क्या बोलने वाला था? पार्टी, पार्टी।
तो हम निकल गए हैं अब जाने के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, बहुत ठंड भी लग रही है मेरे को। तो भाई मैं तो आ चुकी हूँ अपने घर पे, और शादी में वहाँ पे यार बारात इतनी लेट आई थी। बारात एक्चुअली आई ही नहीं बहुत देर तक, लाइक 11 बज गए थे, बारात आई नहीं है, ना दुल्हन की एंट्री हो रही है। तो फिर मैं और मेरे मामा और नानी हम सब लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि जो मेरा छोटा सा भाई है अभी, वो 1 साल का भी नहीं हुआ है, वो भी थोड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि गाने भी बहुत तेज़ बज रहे थे, तो बच्चे थोड़े परेशान हो ही जाते हैं। और वैसे भी बहुत देर हो चुकी, तो हम अपने रिश्तेदार वगैरह से सबसे मिल लिए थे, तो हमारा काम पूरा हो चुका था, तो हम टाइम से वहाँ से निकल गए। और मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आई थी क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी इस वजह से। अब सोते हैं, अब कल मिलते हैं, कल का दिन दिखाऊंगी मैं आपको। हाय गाइस, तो आज है 27 नवंबर और आज बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है कसम से। मैं सुबह उठी तो एकदम ठंड ठंड सी लग रही, सारे गेट बंद करे घर के आगे का पीछे का, और धूप तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है आज, 1% धूप नहीं है, बस ठंडी हवा चल रही है। रात को जिस वेडिंग में हम गए थे वो भी ओपन था, हमको ये नहीं पता था कि वो ओपन है, मेरे लगा बैंक्वेट वगैरह में है किसी, पर ओपन शादी थी वो, तब भी बहुत ठंड लग रही थी मेरे को क्योंकि मैंने स्लीवलेस सूट पहन रखा था इस वजह से। सो के भी अभी उठी हूँ मैं 12:30 बजे, फटाफट से नहाए धोए क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी, क्योंकि पिछली रात भी जागी हुई थी, फिर सो भी नहीं पाई थी कल अच्छे से, 2 घंटे ही सोई थी। तो भूख, फटाफट से खाऊंगी खाना। आज खाने में बने हैं राजमा चावल, बहुत टाइम के बाद आज राजमा चावल मिलने वाले हैं खाने को। मेरे को लाइक 17 डेज हो चुके थे कि मैं डिनर स्किप कर रही थी और कुछ भी बाहर का उल्टा पुल्टा नहीं खा रही थी। अगर खा रही थी तो फिर बहुत ही कम अमाउंट में, ना मीठा ना कुछ। काफ़ी अच्छे ठीक ठाक रिजल्ट मिलने के बाद फिर मैं सोच रही थी कि थोड़े टाइम छोड़ दूंगा, बट मैं सोच रही हूँ सिर्फ 3 दिन का ब्रेक लूंगी डाइट से और उसके बाद वापस ऑन ट्रैक हो जाऊंगी, ताकि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए लाइफस्टाइल तो थोड़ा ठीक रहता है। तो लंबा ब्रेक नहीं ले रही हूँ, सिर्फ 3 दिन का ब्रेक ले रही हूँ। तो ये है आज का लंच, हमारे राइस और राजमा की सब्जी। कैसी रही कल शादी? अच्छी रही, मजा आया? मजा आया, सही था। कल तू एक्सपेक्ट कर रहा था कि मलाई चाप पनीर टिक्का मिलेगा, पर ये सब वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे पकोड़े फ्रेंच फ्राइज वगैरह थे, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, बट खाना वहाँ पे टेस्टी था। देखो सबसे ज्यादा टेस्टी क्या लगा? दाल मखनी मेरे को भी बहुत अच्छी लगी, गुलाब जामुन तो मीठे ज्यादा थे, बट और आइसक्रीम भी अच्छी थी। अब घर का खाओ राजमा चावल। बॉडी में बहुत ज़्यादा ना आलसपन जैसा आ रहा है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली क्या है, मैं जिम नहीं जाती हूँ ना जब, तो फिर मेरे साथ ना ऐसे ही होता है। संडे तो गई नहीं, आज भी छुट्टी हो गई, वनडे को नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से ठंड भी हो गई है, थोड़ा आलस आ रहा है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है बॉडी। समय मेरे को थोड़ा ना एक्टिव रहना ही पसंद है, थोड़ी सी लो हो जाती है, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई वो सारी। आज मैं बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए स्पेशल कढ़ाई पनीर, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कुछ थोड़ा अटरम पटरम सब खाया नहीं है, आज मन कर रहा है तो आज बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आपको पता है कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है, इस वजह से आज मैं बना रही हूँ और देखते हैं कि कैसा बनता है, अच्छा ही बनेगा वैसे तो, वो तो पता ही है। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले ना बहुत ही बुरी तरह से बादल गरजे थे, शायद आप लोगों के वहाँ पे आवाज़ आई भी होगी, काफ़ी लोगों के वहाँ पे इतनी बुरी तरीके से गर्जर हुई थी और बारिश तो हो ही रही है, और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मेरे को बादल जब गरजते मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों, जब भी बादल गरजते ना मेरा दिल ऐसे ही बहुत ज़्यादा ज़ोर से दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, बहुत डर लगता है मेरे को इस चीज़ से, बिजली गड़कने से, और बादल जब थोड़े से भी गरजते तब भी। बचपन में क्या होता था, जब बादल गरजते थे ना, मतलब मम्मी मेरे मम्मी पापा ऑफिस जाया करते थे, तो मैं अपनी मेट के साथ होती थी तब, छोटी थी मैं, तो बादल गरजते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि बादल गरजते थे मतलब दुनिया खत्म होने वाली है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों थॉट आता था मन में कि दुनिया खत्म होने वाली है, सब खत्म होने वाला है, कुछ गड़बड़ है, तो वो एक थॉट ना चलता रहा, तो मेरे को ना उस चीज़ से बादल गरजने से बहुत डर लगने लगा, तो वो चीज़ अब चलती रही, तो अब जब भी बादल गरजते हैं ऐसा नहीं है मेरे को आता कि दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं मेरे को तो मेरे को डर लगने लगता, बहुत डर, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, क्या करूँ अब मैं। भाई आज का दिन का व्लॉग तो होता है एंड, अब हम मिलेंगे कल, कल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। राइडर्स, तो आज है 28 नवंबर, आज सुबह टाइम से उठ गए, जिम भी चले गए, आज बहुत ठंड थी भाई, आलस आ रहा था बहुत ज़्यादा, बट जिम तो जाना ही है, मेन तो वो है ही, और है कि आज शायद मुझे जाना है शाम को हॉस्पिटल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी एक दीदी है उनका बेबी हुआ है, उनकी शादी के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उनका बेबी भी हो चुका है और मैं हद एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए, उनका जूनियर देखने के लिए मेनली। अभी तक तो ये प्लान है कि जाना है, बाकी देखते हैं, अगर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई होंगी तो फिर तो 2-3 दिन बाद जाएंगे, वरना अगर हॉस्पिटल में होंगी तो फिर हम आज जाएंगे, अब देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं होता, कॉल करके पूछूंगी एक बारी। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मन कर रहा है एक लॉन्ग ड्राइव पे जाए, कुल्हड़ वाली चाय पिए, अभी कन्नू का वेट कर रही हूँ मैं, देखती हूँ आ गया। अभी नाच रहा था, अभी नहीं नाच रहे पहले कन्नू।
तो जैसे ही ठंड का मौसम आता है सबसे पहले तो कन्नू पैक हो जाता है हमारे घर में, क्योंकि सबसे पहले इसको स्वेट शर्ट, इसको गर्म पजामे, सॉक्स वगैरह पहनाई दी जाती है ना कन्नू। कोई और पहने ना पहने, ये पहले पहन लेगा। तो इसी के साथ हम अपनी ब्लॉग को एंड करते हैं। आज प्लान था जाने का दीदी के बेबी को देखने जाने का, बट वो बन नहीं पाया। मैं किसी दिन खुद ही अकेले जाऊंगी, कल या परसों, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी आएगी। तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। बाय।